ये स्क्रैच छोड़ क्यों नहीं देते? अरे मेरी जान, अरे रिश्ते में तो धोखा खाया, जब आके जो स्क्रैच से दिल लगाया है। सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइस, तफी मंजूर हियर बैक विद अ वेरी न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज के व्लॉग में हम जाने वाले हैं नाइट कैंपिंग करने दो दिन के लिए, और जाने कहां वाले हैं, यहां से 20 किलोमीटर की दूरी पे एक वाटरफॉल है जिसका व्लॉग मैंने ऑलरेडी इसी चैनल पे अपलोड कर रखा है। अभी यहां से वहां जाना है हमें 20 किलोमीटर, हमें लोकल गाड़ी में सफर करना है। उसके बाद वहां पे जो जंगल वाला एरिया है, साथ में वाटरफॉल के पास हम कैंप करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी मुझे पैकिंग करनी है। तो अभी मेरे साथ में दो भाई है मेरे, और एक है बुरहान और दूसरा है फैजू। तो वो मेरा बाहर वेट कर रहे हैं, मैं अभी पैकिंग करके यहां से निकलता हूं एंड बाहर उनसे मिल के डायरेक्ट हम वाटरफॉल पे जाएंगे। सबसे पहले अगर सर्दी वहां पे हुई तो एक प्रोटेक्शन है, स्वेटर में लेके जाऊंगा। एक तो पहले ही स्वेटर डालनी है, दूसरा अगर वहां पे बारिश बारिश पड़ी तो ये वाटर प्रूफ जैकेट साथ में लेके जाऊंगा, और अगर अच्छी मतलब मौसम अच्छा रहा तो ये उसके लिए कैपरी लेके जा रहा हूँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है मेरी कंबल, है अपना बैग भाई साहब। तो हो चुकी है हमारी पैकिंग कंप्लीट, अभी जो भी चीजें हमने मतलब पैक करनी थी हमने पैक कर दी, अभी यहां से फटाफट से निकल लेते हैं। तो भाई अभी हम गाड़ी से उतर चुके हैं, इस एरिया को बोलते हैं साइकिलपुर। पहले तो हमें 2 किलोमीटर आगे चलना है, फिर वहाँ पे रोड खत्म होगा एंड उसके बाद फिर से 2 किलोमीटर चलना है आगे, और तब हम पहुँच पाएंगे वाटरफॉल तक। छोटी हाय ताता। इस फैजू भाई ने अपना लगेज इस भाई के पास दिया है और हम चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर चलने के बाद हमारा कुछ ये हाल है, पसीने से पूरा जिस्म भर गया है। ये दोनों भी नीचे बैठे हैं, फैजू गया है पानी लाने, वो पहुंच गए, वो दोनों चला रहे हैं वहाँ से। ये वाले वाटरफॉल का एक अलग सा मज़ा है क्योंकि यहाँ पे आप आराम से ट्रैक कर सकते हो, पूरी दुनिया से दूर होके नेचर का फील ले सकते हो। सीटियाँ मार रहे हैं, वो पहुँच गए। फाइनली गाइस वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन एंड हियर इट इज एंड ये दोनों है यहाँ पे बैठे हुए। अभी हम टेंट लगा लेते हैं सबसे पहले। तो भाई देखते हैं टेंट कहाँ लगाते हैं, कहाँ वो टेंट इज भाई साहब रेडी। दिस इज द व्यू। तो भाई साहब अभी बज चुके हैं शाम के 7 बज चुके हैं, यहाँ पे पूरा अंधेरा होने लगा है। तो अभी क्या है, सबसे पहले हम मतलब बॉनफायर का इंतजाम करते हैं, और उससे पहले हमें लकड़ी लानी पड़ेगी, फिर उसके बाद हम यहाँ पे कुछ पकाएंगे, मैगी वैगी बनाएंगे, और फिर देखते हैं भाई साहब मतलब क्या प्लान होगा बनाने का। सबसे पहले हम निकलते हैं अभी लकड़ी काटने के लिए। जहाँ पे हमने टेंट दे रखा है वहां से यहाँ तक की 10 मिनट की दूरी है, हमें यहाँ से भी लकड़ी लेनी है वहां तक। मतलब यहाँ पे जो है ना ये लकड़ी काफी ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लकड़ी बहुत ज्यादा निकलेगी। तो अभी यहाँ से लकड़ी लेके हम वहाँ पहुँचते हैं। देखो यहाँ पे ये साइड दिखा दो इनको, एक रिवर है यहाँ पे एंड ये जो वाटर है सारा वाटरफॉल का है, ये जो पानी आ रहा है ना ये पूरा वाटरफॉल से ही आ रहा है। और यहाँ से अभी ऊपर जाना है, मतलब यहाँ पे अंधेरा ना बहुत डरावना है कसम से। तो भाई साहब 7:20 बजने पे हम पहुंच चुके हैं अभी टेंट के पास, बगल में हमारा है टेंट। अभी
यहाँ से मतलब दिख रहा है आराम से, आपको नहीं दिखेगा अभी वहाँ पे चलेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो लकड़ी है ना इसके टुकड़े हम यहीं पे करेंगे एंड यहाँ से आसान होगा वहाँ तक लेना। कितने आदमी थे? चार। नहीं नहीं तो ऊपर यहाँ के माहौल की अगर मैं बात करूँ ना कसम से, मतलब अगर आप एक बार ही आओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कभी यहाँ से जाने का आपका मन नहीं करेगा सच में। हमारी सेना तैयार है लकड़ी लाने के लिए। हाँ भाई हम तैयार भाई, तैयार तैयार। यहाँ पे लकड़ी का खजाना मिला है हमें, यहाँ पे काफी ज्यादा लकड़ी है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से काफी ज्यादा लकड़ी लेंगे, पूरी रात जितनी लकड़ी चलेगी वो यहीं से हम लेंगे। ब्रो और कोई डालना है? हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पे खुद पकाया है भाई। पहले तो हमें चाय बनाने के लिए फिर से पानी लेना है, बर्तन धोने के लिए भी वही पानी लेना है हमें। सो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं अभी अपनी डेस्टिनेशन पे। यहाँ पे आग वाग जला रखी है हमने, वो पानी पी रहा है। वहाँ पे हमारा टेंट है, हमें लाइट वाइट साथ नहीं लाई है। लकड़ी पूरी रात के लिए हमने ला के रखी, शायद ऐसे पूरी रात निकल जाएगी ये लकड़ी से। 5:04 अभी टाइम हुआ है सुबह के, 5:04 हुए हैं। तो भाई अभी मैं सोता हूँ, कसम से बहुत नींद आ रही है। मतलब या तो नेक्स्ट क्लिप में मिलते हैं आज ही, या तो कल अभी नींद करने के बाद मिलते हैं। मुझे लगता है अच्छा रहेगा फैजू नींद करना है ना। सोए टॉम तो सोना है, चलो भाई सोते हैं। सोए टॉम कंफर्म? ओके भाई साहब, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। व्लॉग में बने रहिए क्योंकि मैं यही व्लॉग कंटिन्यू करूंगा। बच चुके अभी भाई 10:26 सुबह के, अभी नींद से उठाऊँ मैं, उठा भी नहीं अभी नींद, मतलब टॉम ने उठाया मुझे अभी बुरहान ने। बाहर का कुछ सीन दिखाता हूँ आपको, ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से, ये देखो सुबह सवेरे हमें कौन मिलता है यहाँ पे। भाई छोटू ठीक अच्छे से? भाई फैजू भी सो रहा है। ओ जाने, ओ जाने, आपने एक शेर को फोन किया है जाने, जाने। तो भाई अभी मैं नींद से उठा हूँ, सबसे पहले हम चेहरा धोने जाते हैं। मुझे नींद कमाल की है, ये दोनों रात को नहीं सोए हैं बट मैं मस्त सोया हूँ आज रात को। पानी एकदम ठंडा है। तो भाई अभी यहाँ से हमें टेंट हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दिक्कत है, पानी की भी दिक्कत काफी ज्यादा है और साथ में लकड़ी भी बहुत दूर से लानी पड़ती है। किसी ऐसी जगह पे टेंट लगाएंगे जहाँ पे मतलब पानी भी नजदीक हो और लकड़ी भी नजदीक हो, आग भी जहाँ पे हम आराम से जला पाएंगे एंड साथ में ही मतलब जो भी खाने के लिए पानी वानी बनता है लगता है वो भी हमें आराम से मिले। करना है अभी सोचे कि सबसे पहले यहीं पे खाना वाना पकाते हैं क्योंकि 1:30-2 बजने लगे हैं अभी। तो अभी पहले कुछ खाना वाना खाते हैं, यहीं पे थोड़ा सा पकाई वकाई कर लेते हैं। खाना खा के हम देखेंगे कि फिर अच्छे से टेंट कहाँ पे लगा पाएंगे एंड स्टॉक हमारा ख़त्म होने लगा है भाई। तो अभी देखते हैं रात को सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, बट सर्वाइव करना पड़ेगा क्योंकि मैंने पहले ही बता रखा है 2 दिन की कैंपिंग हमें करनी पड़ेगी। तो भाई अभी मैं गोश्त पका रहा हूँ यहाँ पे और खाना मैंने पका लिया। जहाँ पे नींद करने में बहुत मज़ा आएगा वहीं पे हम टेंट लगाएंगे। मगर मैं सुबह आसान अच्छी जगह पे देते हैं। तो अभी क्या हुआ कि आसमान में हम देख रहे हैं तारे कंटिन्यूसली एक लाइन में चल रहे हैं कसम से। अभी मैं ऐसे तो दिखा नहीं पाऊंगा बट मतलब एटलीस्ट 15-16 से ज्यादा हमने गिन लिए थे, तब से हमने गिने नहीं, सीधे ना ऐसे लाइन में जा रहे हैं। ना ओ हॉर्स का क्यों लास्ट
ये क्या हुआ सो भाई अल्लाह ताला से नई मिहन कसम करी छु जादी। तो भाई जब हम पहले दिन आए थे हमारे साथ में थे दो पावर बैंक्स। पहले दिन तो एक पावर बैंक डाउन हो क्योंकि तीन तीन फ़ोन चार्ज करने थे उससे। आज के पूरे दिन मैंने व्लॉग शूट नहीं किया अच्छे से, शायद सुबह सुबह करी होंगी कुछ क्लिप्स, बट मैंने पूरा व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि दिक्कत पता है क्या थी, दिक्कत थी कि फ़ोन डाउन था पूरा का पूरा। फिर हमने नीचे यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे बस्ती है वहीं पर फ़ोन भेज दिया, हमारे बुरहान चला गया वहाँ एंड हम यहाँ पे बाकी का काम कर रहे थे। फ़ोन हमारे पास था नहीं अवेलेबल, हम यही साइड से एक्सप्लोर कर रहे थे कि कैसी कैसी चीज़ें यहाँ से, हमने वहाँ से शिफ्ट करा है। ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा शांत है और अभी 8:30 बज चुके हैं। तो एक चीज़ है ना, ऐसे बैठोगे ना कसम से फिर आसमान की तरफ जब देखते हैं ना तो अलग ही फील आती है। आज हमने देखे आसमान में कंटिन्यू बहुत ज़्यादा तारे चल रहे थे एक ही लाइन में। ये मतलब ये हमारे लिए स्पेशल इवेंट था आज की ट्रैकिंग पे। तो भाई अभी बज चुके हैं 12 बज चुके हैं रात के और हमारा बॉनफायर ऐसा है, कुछ दिखा दो इनको, ये रहा हमारा बॉनफायर। एंड टॉमी जो है वो अंदर सो चुका है, वो पहले 10 बजे वो सो गया था, नहीं 10:30 शायद ऐसे कुछ सो गया था। उसने पानी लाया फिर हमने चाय वाय बना के दी, वो अंदर बैठ के सोने लगा उसी टाइम से, क्योंकि वो कल रात पूरी रात नहीं सोया है सच में, कसम से वो सोया ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं। एक बात मैं आपको बताना भूल ही गया था कि कल की कुल्हाड़ी जो थी वो बुरहान ने किसी घर वाले के यहाँ से लाई थी एंड आज उन्होंने कुल्हाड़ी तो ले ली एंड हमने जगह भी शिफ्ट करी थी। तो आज हम यहीं से चल रहे थे तो वहाँ पे एक अंकल दिखे, मतलब अंकल दिखे नहीं, उनका घर वहीं पे था। तो बुरहान ने बोला हमें चाय बनानी है एंड उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए, हमें लकड़ी वगड़ी काटनी है यहाँ से। तो वो बेचारे ने ये दे दी, मतलब एकदम ओपी है ना ये, वो चीज़ है भाई साहब जो साउथ की मूवीज़ के विलन यूज़ करते हैं कसम से, एकदम उनके साथ में ऐसे ही होती है ये। सुबह के 8:41 बज चुके हैं, नज़ारा दिखाता हूँ बाहर, पता नहीं क्या हाल हो रखा है बाहर, देखते हैं पहले क्या हुआ है। वहाँ से चलने की आवाज़ें आ रही थी, हम इतनी जल्दी नहीं उठते ना ही उठ पाते क्योंकि बुरहान को घर जाना था ना, तो बोला मुझे कुछ काम पड़ा जल्दी, वो निकल गया, ऐसे सो रहा है अभी, तब तक मैं सबसे पहले चेहरा वेहरा धो के आता हूँ। तो भाई अभी सनराइज हो रहा है सुबह के ऑलमोस्ट 9 बज चुके होंगे, मुझे पूरा नहीं पता बट मुझे जहाँ तक लगता है 9 बज चुके होंगे। तो सनराइज का सीन कुछ ऐसा है, हम कर रहे थे पैकिंग, अभी हम सोच रहे थे कि हमें यहाँ से घर निकलना है। तो ये छोटू है एंड इसका भाई है, कल भी इन्होंने हमारे लिए बकरी का दूध लाया था एंड वो आज भी लाने गए हैं। तो आपको इससे मिलाता हूँ, आपका नाम आदिल। आदिल घन आता है? घन आता है? डिस्को आता है? डिस्को और क्या आता है तुम्हें? बहुत मल्टी टैलेंटेड है कोई। इसका छोटा भाई है, छोटे भाई हो ना, क्या नाम है? आमिर। आमिर इसका नाम है, आदिल इसका नाम, आदिल है ना। हाँ। तो अभी क्या है कि अभी पहले कौन गाना सुनाएगा? मैं। तुम वहाँ देख के सुनाना। मेरा बिच्ची छोर गे टूर गया, सज दसी मैया मेरा यार के नाम, ओ मेरे जुगी फुलां दी बहार के नाम, ओ मई वे सजरां दे शहर गया, मुलाकात ना होई माया, सजरां दे शहर गया, मुलाकात ना होई माया, इसके छोड़ क्यों नहीं देते अरे मेरी जान, अरे रिश्ते में तो धोखा खाया, जब आके तुझके से दिल लगाया है। वाह मेरी जान, वाह 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 इरशाद। गाना सुना। बिच छोर गया, जा बिच छोर गया टूर गया, और सज दसी मैया मेरा जार के नाम, और मेरा जुकी फूलां दी बहार के नाम, क्यों रा बिच छोर गया टूर गया,
ओ माई वे सजद सी मैया मेरा जार के नाम अल्लाह बरकतु सब्सक्राइब करें वीडियो को, अगर वीडियो पसंद है सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वाह मेरी जान, तेरा गल सोरा तेरे गत दा होआ में, तेरा हाथ सोरा तेरे हाथ दा होआ में, वेरवानिया तेरे गल सोरा तेरे गल दा होआ में, वेरवानिया और रा बिच छोड़ के तुर गया वे सजरन दे शहर गया, मुलाकात ना हुई माया। अगर वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अंगूठा करें। क्या नाम है तुम्हारा? रुद्वा। निकी निकी धूप निकली सोरी सा बैसा कर, वादे की ते नाल मेरे गेरा नाल डोली पे गई। मुझे देखो, मुझे देखो। लगता है सबको दुखी सॉन्ग इनको आते हैं इनको। यो देखो, निकी निकी धूप निकली सोरी सा बैठा, वादे की ते नाल मेरे डोली पे गई गेरा नाल। वाह वाह, इसका मतलब को सब ख्याल करो। हाँ, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, अंगूठा करो। बहुत प्यारे है माशाल्लाह। तो अभी निकलते हैं यहाँ से फैजू, ठीक है ना? करते हैं अपनी मतलब हमने तैयारी कर रखी है, अभी बैग वैग लगाना है, अभी बोरा बांधना है घोड़ों पे और निकल लेंगे हम। तो निकलते हैं, अभी निकलते हैं, ठीक है? तो भाई चलते चलते हमें दो भाई मिले हैं जो कि एसके कॉलोनी से हैं। तो मैं ये चाहता हूँ सबसे कि लाइक इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बहुत ही अच्छे भाई है, इन्होंने बहुत हम्बली हमसे बात की सब ने। तो आई विश देम वेरी गुड लक एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर गुड सक्सेस। थैंक यू भाई। आप हम पहुंच चुके हैं अभी मेन रोड पे, यहाँ से ही हमें गाड़ी मिलेगी, बट हमें आधा घंटा यहाँ पे हुआ कोई गाड़ी नहीं आ रही है। सो फाइनली गाइस पहुंच चुके हम घर। पर भाई साहब शुक्र है अल्लाह का कि घर पहुंच गए। इसी के साथ हम ये वाला व्लॉग एंड करते हैं, मिलता हूं मैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।